सामने के जो पहाड़ देख रहे हैं अपना, वो काफी ज्यादा लाजवाब दिख रहा है। जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को, कुछ ऐसा था। और ये बिस्किट आ चुका है, इतना बड़ा क्रैक देख, पूरा खाओगे इसको। आज महीने का लास्ट दिन 31, और हमने कंटिन्यू पूरे 1 मंथ तक वीडियो रेगुलर पोस्ट किए, वो भी आप लोगों की प्यार की वजह से। या पीछे से आवाज आई तो, और आज हम लोग उठ गए थे 8 बजे 8 बजे 7 बजे 7 o'clock 7 बजे ये उठ गई थी, मैं उठा 8 बजे। और क्योंकि आज शॉप खुलने वाला, जैसे कि कल वाली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि शॉप जो है ओपन होगी, तो आज चलते हैं शॉप के नज़ारे बड़े दिनों से मिस कर रहे थे, तो आज शॉप भी देख लेंगे। चलिए चलते हैं, बाकी तो सब बढ़िया। और इतना देर हो ही गया बात करते करते, तो एक बार पूछ लेते हैं आपसे, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप भाई की तरह एकदम मस्त होंगे और एकदम मस्त ही रहना। चलिए चलते हैं शॉप की तरफ। उल्टी गाड़ी कौन निकालता है? चले बस, हमसे तो एक गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो बड़े दिनों के बाद इतना, मतलब खुशी से बोल रहा हूँ कि हम जा रहे हैं शॉप आज, और शॉप चलते हैं। उसके बाद जैसे कि आप लोगों को सभी को पता ही है कि राखी का त्यौहार है, तो घर आने के बाद जो हमारी वाइफ राखी बनाने वाली थी वो भी बनाएंगी, वो भी चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे शॉप के नज़ारे और रोड के नज़ारे दोनों आप लोग इंजॉय करिए। बड़े दिनों के बाद इस रोड के अंदर घुसे हैं हम, और बड़े दिनों से ये नज़ारे देखने को तरस गए थे, लेकिन कोई नहीं, बोलते हैं ना जब जाके तब सवेरा, तो बस उसी टाइप का ये कुछ है। और आज हम जा रहे हैं अपनी दुकान। देखिए सारी दुकानें जो है वो खुल चुकी हैं, अब हमारी बारी है, चलिए चलते हैं। सब पहुंच गए, अब लाइट चालू करते हैं, उसके बाद यहाँ के सीन दिखाते हैं। एक्चुअल में मुझे जाना पड़ रहा है गीदम, तो चलते हैं गीदम और रास्ते के नज़ारे वहाँ दिखाते हैं आप लोगों को। अभी जा रहा हूँ मैं गीदम के लिए, गीदम जाते हैं। जो गीदम से कल कुछ सामान आया था, तो भाई क्या है, भाई क्या से सामान ले लेते हैं, उसके बाद क्या सीन बनता है वो बताते हैं आपको। और ये जो एरिया था ये पूरा, और आज का जो वेदर है वो भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब हो रखा है। गाड़ी के पास आ चुके हैं और गाड़ी के अंदर भी बैठ गए, चलते हैं। गीदम भाई से गाड़ी लेना था मेरे को, भाई से गाड़ी ले ली है मैंने, और गीदम चल के जो सामान है उसको लेके आ जाते हैं, उसके बाद शॉप में छोड़ेंगे, बाकी के बातें बाद में करते हैं, अभी निकलते हैं यहाँ से। और आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि दंतेवाड़ा से जो गीदम की दूरी है वो 10 किलोमीटर है बस। अब चलिए रास्तों के नज़ारे आप लोग एंजॉय करिए, बाकी तो सब बढ़िया है। आज का वेदर भी काफी ज्यादा अच्छा है और धूप निकली हुई है आज तो। ये है यहाँ का लाइवलीहुड कॉलेज। गीदम पहुंच चुके हैं और गीदम में चलते हैं भाई के पास, अपना सन्नी भाई रहते हैं गीदम में। सन्नी भाई कल गए हुए थे जगदलपुर, तो सामान लेकर आए हुए हैं, सामान ले लेते हैं उनसे और उसके बाद वापस शॉप जाएंगे। और क्या, तो हमने सन्नी भाई से सामान तो ले लिया, और सामान जो है पीछे क्या है देखेंगे, मतलब कुछ भी मंगाते हैं यार, बिस्किट मंगाने का चीज है, मार्केट में नहीं मिलता, मिलता है ना, फिर भी चलो कोई नहीं, फिर भी चलते हैं। अब इतना दूर आई गए थे लेने, तो ले तो लिया है सामान, उसके बाद चलते हैं अब यहाँ से। सो सामान शॉप के अंदर सामान छोड़ दिया है, बट गाड़ी भी छोड़ के आने भाई के पास, तो गाड़ी छोड़ देते हैं
आके मिलता हूँ मैं आप लोगों से। 15 मिनट्स लेटर मैंने जा ही रहा था कि रेलवे क्रॉसिंग फंस चुका हूँ मैं, और ट्रेन जब कितना देर में आएगी पता नहीं, ट्रेन निकलती है उसके बाद चलते हैं। और कल से ना जो मेरा सिर ना बहुत हेडेक हो रहा था ना, वो ना कम हो गया अभी हालांकि, लेकिन फिर भी लग रहा है मुझे ना कि तबीयत बिगड़ने वाली है, पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा। अभी भी सर जो है हल्का हल्का पेन हो ही रहा है। टेंशन नहीं लेने का, मस्त एकदम जीने का, तो बस मस्ती जी रहे हैं, बस देखते हैं ठीक हो जाए तो। और ट्रेन भी आ चुकी है, तो अभी फिलहाल तो गाड़ी यहाँ छोड़ दी है और अभी निकलते हैं शॉप। Many hours later, हमें ना बहुत टाइम हो गया था यहाँ शॉप पहुँचे, बट भीड़ इतनी थी ना कि ना ब्लॉग चालू ही नहीं कर पाए। कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिलहाल तो शॉप क्लोज हो गई है और बजने वाले हैं 6:45। थोड़ा सा शॉप को जमा लेते हैं क्योंकि जो लॉकडाउन है वो एक्सटेंड हो गया है, थोड़ा सा बढ़ गया, तो अभी फिलहाल कुछ नहीं करते हैं, चलते हैं घर। पानी भी गिरा हुआ है, जियो वाला लैपटॉप भी घर ले जाएंगे क्योंकि बहुत सारी एंट्रीज करनी है, और दुकान जो है देख रहे हैं बढ़ा रहे हैं इसको, पूरा कंप्लीट हो गया, चलते हैं यहाँ से। चलिए, बरसात होने के बाद ना सामने के जो पहाड़ देख रहे हैं अपना, काफ़ी ज़्यादा लाजवाब दिख रहा है। जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को, देखिए यह है दंतेवाड़ा, एकदम मनाली जैसा व्यू है। Many hours later, अभी जाके घर पहुंचे हैं और अभी बज चुके हैं कितने नहीं पता, 7:45 यानी कि 7:45। तो बस ड्रेस व्रेस उतारते हैं, और आज क्या शॉप में भी काफी ज्यादा भीड़ हो गई थी, शॉप का भी हाल कुछ ऐसा था। और ये बिस्किट आ चुका है, इतना बड़ा क्रैक देख, पूरा खाओगे इसको आप ही तो खाते हो। कल जो हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि राखी बनाएंगे हमारी वाइफ, तो लेकिन आज भी प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि आज शॉप में काफी ज्यादा भीड़ थी, तो आज राखी नहीं बनेगी। 3:30 कैसे करें बताइए, क्या सोच रहा था कि आज घर में बन क्या रहा है पता नहीं है, पूछ लेते हैं क्या बना रहे हैं। और शायद सुनाई में आ रहा है कि कल भी शॉप खुलेगी, बट कंफर्म है कि नहीं पता नहीं, कल ही पता चलेगा और कल वाली वीडियो में पता चल ही जाएगा आप लोगों को, लेकिन अभी फिलहाल देखते हैं घर में बन क्या रहा है। ओहो यहाँ तो एग बन रहा है, एग घर में तो एग बन रहा है भैया, तो आज हम खाएंगे एग, और आप लोगों ने क्या खाया कल कमेंट करके बताइएगा, और आज की वीडियो में आप लोगों को क्या चीज़ अच्छा लगा, कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए चलते हैं, आज की जो वीडियो थी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो प्यार से लाइक, प्यार से कमेंट, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं कल वाली किसी बढ़िया वीडियो में, बाय बाय। We'll be right back.